हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले ट्रिग्नोमेट्री वन चैप्टर जो कि आपका M1 का साइंस और आर्ट्स का सिलेबस है। आज हम देखने वाले एक्सरसाइज 2.2। ये जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ M2 एज वेल एज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर बेसिक मैथ्स। तो बड़े ही अच्छे तरीके से आप प्लीज़ इसको प्रिपेयर करना। इसके काफ़ी सारे बेसिक्स 8 और 9th और 10th में आपने ऑलरेडी देख लिए हैं, 11th और 12th में इसी का एडवांस रहेगा आपको। और ये जो एक्सरसाइज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2, ये 2019 का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का नया सिलेबस के हिसाब से है। चलो देखते हैं फिर पहला न्यूमेरिकल। इफ़ 2 sin A = 1 = √2 cos B और A की जो रेंज दी हुई है ये पाई बाई 2 से पाई के बीच में है। पाई बाई 2 मतलब ही 90 डिग्रीज और पाई मतलब 180 डिग्रीज, मतलब ही आपका A जो है ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। और 3π/2 मतलब 270 डिग्रीज और 2π मतलब 360 डिग्रीज, मतलब ही आपका जो B है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अब क्वाड्रेंट क्यों लगता है ये ऑलरेडी हम क्लासों में देख चुके हैं। क्वाड्रेंट्स डिसाइड करते हैं कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी साइन क्या रहेगी, प्लस माइनस जो भी, और हमको फाइंड करनी है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू। तो चलो देखते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग साइन ए के हेल्प से कॉस ए की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो 2 sin A = 1 ये ऑलरेडी दिया हुआ है, तो sin A = 1/2। अब हमको एक बहुत फेमस एक्सप्रेशन ऑलरेडी पता है, कौन सा, तो sin² A + cos² A = 1। ये आइडेंटिटी हमको ऑलरेडी पता है, क्लासरूम में हमने इसको डिराइव भी किया है। तो अब इसमें साइन ए की वैल्यू पुट करके कॉस स्क्वेयर ए की वैल्यू हमको मिलती है 3/4, मतलब ही कॉस ए की वैल्यू मिलेगी हमको प्लस और माइनस √3/2। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि ए जो है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है, जहाँ पर कॉस ए की वैल्यू हमेशा ही नेगेटिव रहेगी। तो इसलिए हम लोग कॉस ए की वैल्यू √-√3/2 लेंगे। अब सेम तरीके से अगर √2 cos B = 1, ये जो दिया हुआ है इसमें से हमको मिलेगा cos B का वैल्यू आ रहा है 1/√2। और सेम मेथडोलॉजी से अगर हम साइन की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करें तो साइन की वैल्यू आएगी प्लस और माइनस 1/√2। अब यहाँ पर साइन या फिर एंगल बी जो है, साइन बी जो है, ये एंगल बी जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो साइन की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में हमेशा ही नेगेटिव होती है, इसीलिए इसकी वैल्यू -1/√2 आ जाती है। अब यहाँ से हम लोग टैन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो tan A = sin A / cos A = -1/√3। तो यहाँ से tan A की वैल्यू मिल गई। tan B की वैल्यू भी इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं, जो आती है आपकी -1। अब हमको इस एक्सप्रेशन के सारे वैल्यूज़ मिल चुके हैं, तो चलो सारे वैल्यूज़ उसमें डाल करके देखते हैं। तो हमको फाइंड करना है tan A, दैट इज 1/√3 प्लस tan B इज -1/cos A। cos A की वैल्यू हमने अभी सॉल्व की थी, तो √3/2 माइनस cos B की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है क्वेश्चन में ही, 1/√2। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 2 1+√3/√3 + √2। ये आपका आएगा फाइनल आंसर। अब इसको किस तरीके से सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पर बहुत सिंपल है कि ये जो फ्रैक्शंस है इसको
एक बना लो ऊपर और नीचे भी वही करने की कोशिश करो। वो किस तरीके से करोगे, तो टू आप लिख सकते हो रूट टू इंटू रूट टू, और इस तरीके से आप इसको भी फैक्टराइज करके आराम से सॉल्व कर सकते हो, तो आपको फाइनली ये एक्सप्रेशन मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, और अगर कोई डाउट होंगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। थैंक यू।